साफ सफाई कर रहा है बेटा, सफाई अभियान ना। अरे बाप रे, शिवी बाहर लगा, दे दो झाड़ू, दे दो झाड़ू नानी को, दे दो। हो गई, लग गई, चलो हो गई साफ सफाई। चलो 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 चलो। चलो भैया, शिवी झाड़ू लगा रहा है आज मेरा। छोड़ दो बेटा, झाड़ू रख दो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता लव शिवीन। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ मेथी की पूरी। सर्दियों में मेथी की पूरी खाने का अपना ही एक अलग मजा है। जल्दी यही पूरी छान के मम्मी को नाश्ता करा देती हूँ। तो गाइस, पूड़ियाँ बन चुकी हैं, सबने नाश्ता कर लिया है, मम्मी बस रह गई थी। तो मैं जा रही हूँ मम्मी को नाश्ता देने, क्योंकि मम्मी नहाकर ही नाश्ता करती हैं। तो मम्मी ने नहा लिया है, तो जा रही हूँ मम्मी को नाश्ता देने। और मैं भी नाश्ता करूँगी मम्मी के साथ, क्योंकि मैंने भी नाश्ता नहीं किया है, मैं मम्मी का वेट कर रही थी। तो चलिए, पूड़ी के साथ मैंने बनाई थी टमाटर की चटनी, और इसके साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने चटनी बनाई थी। बस अब सब चीज़ रेडी है, तो अब हम लोग चलते हैं नाश्ता करने। पहले मम्मी को दे देती हूँ। आज शिवी बहुत बदमाशी कर रहा है, सोया नहीं अब तक, सो जाता है। मम्मी नाश्ता कितनी भागदौड़ कर रहा है ये लड़का। शिवी आज तुमको नींद नहीं आ रही है बच्चा? इतने टाइम तक शिवी रोज सो जाता है, कम से कम 2 घंटे सोता है। नहाने में बहुत लेट हो गया है आज। शिवी रोज सुबह मालिश करवाने के बाद सो जाता है, आज सो ही नहीं रहा है ये बदमाशी। देखो ये देखो, गाड़ी चल रही है इसकी। कहाँ जा रही है गाड़ी? गाड़ी कहाँ जा रही है? पापा के पास। अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है इसके चक्कर में। आ जाओ। तुमको नींदू नहीं आ रही है? बहुत बदमाशी करने लगा है, बहुत ज्यादा। अरे 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 अरे, ओले आ जाओ, आओ मम्मा के पास। हाँ भूख लगी है, आ जाओ चलो खाना खिलाएंगे। सूख गई है बड़ी। ये देखो, ये आए हैं तुम्हारी बड़ी रखवाने आए हैं, नानी की बड़ी रखवाने आए। शिवी ढक्कन दो, ढक्कन दे। आ जा, ढक्कन। दे दो नानी को, वापस दे दो नानी को, वापस दे दो ढक्कन बेटा। नहीं आज क्या बनेगा मम्मी? आज बेसन की सब्जी बनाओ। हाँ, कल फिर हमारा व्रत रहेगा है? तुम्हारे हाथ की अच्छी लगती है ना? हाँ है ना शिवी, आज नानी के हाथ की सब्जी खाएंगे, बेसन वाली। नानी अच्छी बनाती है ना लल्ला? तुम्हारा ढक्कन लेके बैठा है। हो चुकी है शाम, अभी बज रहे हैं 6:15 बज रहे होंगे, और आज मम्मी बना रही है मेरी फेवरेट बेसन की सब्जी। मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, तो मम्मी बना रही है। बेचारी मम्मी मेरे लिए बना रही है, इतनी मदद कर रही है। मम्मी क्या हेल्प चाहिए बताओ? तो मम्मी बहुत अच्छी बनाती है बेसन की सब्जी, मतलब उसको बर्फी बना के उसको और फिर उसकी सब्जी बनाती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे मुँह में तो अभी से पानी आ रहा है, तो बस जल्दी से बन जाएगी और मैं खाने बैठ जाऊँगी।
तो गाइस माँ के हाथ के खाने का स्वाद ही कुछ और होता है, और मुझे तो बहुत ही पसंद है मम्मी के हाथ का खाना। और आप लोगों में से किस किस को माँ के हाथ का खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं जब भी आती हूँ तो अपनी फेवरेट फेवरेट चीज़ें मम्मी से बनवा के खाती रहती हूँ बहुत। तो मम्मी मेरी पसंद का बनाती हैं। आज तो मैंने पूरा इधर तक गला भर के पेट भर के खा लिया, क्योंकि खाना इतना टेस्टी जो बना था, बेसन की सब्जी बनाई थी मम्मी ने, बहुत टेस्टी बनी हुई थी और मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने भर पेट खा लिया है, क्योंकि कल रहना व्रत, तो मैंने आज पूरा खा लिया अच्छे से और खाऊं भी क्यों ना, मतलब मम्मी के हाथ के खाने का स्वाद ही कुछ और होता है। अपने हाथ से जो खाना बनता है ना, तो मतलब उसमें पेट तो भरता है, बट वो स्वाद और वो टेस्ट जो आता है ना, वो नहीं आता है। तो माँ का हाथ का खाना तो मैं बहुत मिस करती हूँ। तो आज मैंने खाई बेसन की सब्जी, बहुत अच्छी बनाई थी मम्मी ने। तो गाइज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा था, और किस किस को मम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है, और कौन सी डिश पसंद है आप लोगों को अपनी मम्मी के हाथ की, तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कमेंट करके जरूर बताइएगा ब्लॉग कैसा बन रहा था। तो गाइज मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, ओम साई राम। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।